नमस्ते बच्चों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब तक के वीडियोज में हमने रहीमदास जी के कुल 8 पदों का अध्ययन किया। सबसे पहले वीडियोज में हमने उनका व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व के बारे में अध्ययन किया। उसके बाद दूसरे वीडियोज में हमने 4 पदों के बारे में अध्ययन किया। तीसरे वीडियोज में हमने नेक्स्ट 4 पदों के बारे में अध्ययन किया। अब उसके बाद में आगे जो आने वाले पद हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। जो रहीमदास जी का 9वां पद है वो है रहीमन ओची नरनसो बैर बलोना प्री काटे चाटे स्वान की दोहूं बाती विपरीत। 10वां पद है रहीमन दागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए टूटे से फिर नाम जुड़े जुड़े गांठी पड़ जाए। 11वां पद है रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सुन पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन। और 12वां पद है प्रीतम छवि नैनन बसी पर छवि कहाँ समाए भरी सराय रहीम लखी पतिक आप फिरे जाए। ये कुल 4 पदों का हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले पद नंबर 9 देखो, रहीमन ओचे नरनसु। रहीमदास जी यहाँ क्या कहते हैं, रहीमन ओचे यानी नीच या फिर दुष्ट, नीच या फिर दुष्ट, नरन यानी व्यक्ति से। रहीमन ओचे नरनसु, रहीमदास ने कहा कि नीच या दुष्ट व्यक्ति से बैर यानी न तो शत्रुता अच्छी है, न बलो न प्रीत और न ही प्रेम अच्छा है। नीच या दुष्ट व्यक्ति से कभी मनुष्य को न तो शत्रुता रखनी चाहिए और न उससे प्रेम रखना चाहिए, क्योंकि काटे यानी काटने से चाटे चाटने से, स्वान यानी कुत्ता दो भांति विपरीत यानी काटने या चाटने से दोनों से ही हमें क्या होता है, नुकसान होता है। दोनों से ही मनुष्य का क्या होता है, अहित होता है। दोनों से ही मनुष्य का क्या होता है, अहित होता है। यानी प्रस्तुत पद्यांश में कवि रहीमदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि रहीमन ओचे नरनसो बैर बलोना प्रीत काटे चाटे स्वान के दो भांति विपरीत। प्रस्तुत पद्यांश में कवि रहीमदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं रहीमन ओचे नरनसो, रहीमदास जी कहते हैं ओछे या नीच या दुष्ट व्यक्ति से बैर बलो न तो शत्रुता अच्छी है, ना प्रीत ना उससे प्रेम अच्छा है। अर्थात रहीमदास जी कहते हैं नीच या दुष्ट व्यक्ति से कभी शत्रुता नहीं रखनी चाहिए और ना ही उससे प्रेम रखना चाहिए, क्योंकि काटे चाटे स्वान के दो बहुत ही विपरीत। जिस प्रकार से कुत्ते के काटने या चाटने से ही हमारे मनुष्य का क्या होता है, अहित होता है। अतः दोनों ही परिस्थितियों में मनुष्य का क्या होता है, नुकसान होता है। उसी प्रकार मनुष्य से कभी शत्रुता या प्रेम नीच व्यक्ति से कभी हमें नहीं रखनी चाहिए। अर्थात इसका अर्थ हमें इस प्रकार से करना है कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि रहीमदास जी यह वर्णन करते हुए कहते हैं कि नीच या दुष्ट व्यक्ति से कभी शत्रुता नहीं रखनी चाहिए और न कभी उससे प्रेम रखना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार कुत्ते के काटने से मनुष्य का अहित होता है तो उसी प्रकार चाटने से भी मनुष्य का क्या होता है, अहित होता है। उसी प्रकार दोनों ही परिस्थितियों में मनुष्य से नीच व्यक्ति से शत्रुता और प्रेम दोनों ही अहितकारी होती है। इस प्रकार से हमें इसका क्या करना है, अर्थ करना है। इसके बाद में 10 नंबर पे जो पद आता है कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए टूटे से फिर ना जुड़े गांठ पड़ जाए। यहाँ पर प्रेम बंधन की बात कर रहे हैं रहीमदास जी, प्रेम रूपी जो धागा है, प्रेम रूपी जो बंधन है, उस प्रेम रूपी धागे के बारे में बात कर रहे हैं कि जो प्रेम रूपी बंधन होता है वो हमेशा जुड़ना चाहिए, हमेशा बना रहना चाहिए, क्योंकि एक बार उसमें अगर दरार पड़ जाती है ना तो जैसा प्रेम पहले होता है वैसा प्रेम वापस मनुष्य जीवन में नहीं बन पाता है, उसमें दरार पड़ जाती है, कोई ना कोई रहस्यात्मक तत्व उसमें छुपा रहता है, यानी मनुष्य में उसमें लज्जा का भाव अवश्य होता है। रहीमन धागा प्रेम का, रहीमदास जी कहते हैं रहीमन धागा प्रेम का कि जो प्रेम रूपी धागा है मत तोड़ो चटकाए, उसे कभी मनुष्य को नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि ये क्या होता है, बड़ा ही नाजुक होता है। जो प्रेम रूपी धागा होता है ये बड़ा ही नाजुक होता है, इसे कभी नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि टूटे से फिर ना जुड़े, क्योंकि एक बार ये प्रेम रूपी धागा टूट जाता है तो वापस ये कभी नहीं जुड़ पाता, जुड़े गांठी पड़ जाए, लेकिन अगर जोड़ने का प्रयास करते हैं तो उसमें अवश्य गांठ पड़ जाती है, यानी कि उसमें थोड़ा शत्रुता का भाव अवश्य छा जाता है। कि रहीमन दागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठी पड़ जाए। प्रस्तुत पद्यांश में कवि रहीमदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं
कि जो प्रेम रूपी धागा है ये बड़ा नाजुक होता है, अतः इस प्रेम रूपी धागे को कभी नहीं मनुष्य को तोड़ना चाहिए, क्योंकि एक बार प्रेम रूपी धागा अगर टूट जाता है तो उसमें दरार पड़ जाती है, और दरार पड़ने पर जो प्रेम रूपी बंधन है वो प्रेम रूपी बंधन हमेशा जो जैसा होना चाहिए वैसा कभी मनुष्य जीवन में नहीं बन पाता है। अतः हमें हमेशा प्रेम रूपी बंधन को बनाकर रखना चाहिए, हमें दूसरे पद का अर्थ इस प्रकार से करना है। इसके बाद में रहीमदास जी का जो 11वां पद आता है कि रहीमन पानी राखी बिनु पानी सब सून पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। अब यहाँ पर श्लेष अलंकार की छटा हमें देखने को मिलती है कि पानी होता है रहीमन पानी, रहीमदास ने कहा कि पानी का बड़ा महत्व होता है, पानी राखिए अतः इस पानी को हमेशा बचा कर रखना चाहिए, बिनु पानी बिना पानी के सब सून सब कुछ व्यर्थ चला जाता है। पानी गए एक बार पानी के चले जाने पर न उबरे कभी नहीं वापस आता है मोती, क्या चमक। मोती के लिए पानी किसका प्रतीक है? चमक का। मनुष्य के लिए किसका प्रतीक है? इज्जत का। और चून आटे, आटे के लिए किसकी जरूरत होती है? पानी की जरूरत होती है। रहीमन पानी राखी, रहीमदास ने कहा कि पानी को हमेशा बचा कर रखना चाहिए, बिनु पानी सब सून बिना पानी के सब कुछ व्यर्थ चला जाता है, पानी गए न उबरे एक बार पानी के चले जाने पर वापस नहीं आती, क्या मोती के लिए पानी चला गया तो उसकी चमक फीकी पड़ जाती है, मनुष्य के लिए पानी चला गया तो उसकी इज्जत चली जाती है, और उसी प्रकार चूने आटे के लिए अगर पानी चला गया तो आटा व्यर्थ हो जाता है। अतः हमें पानी को बचा कर रखना चाहिए, क्योंकि पानी मानवीय जीवन की सबसे बड़ी पहलू होता है, हमें बार बार क्या आता है, काम आता है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। प्रस्तुत पद्यांश में कवि रहीमदास जी का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हमेशा पानी को बचा कर रखना चाहिए, बिना पानी के सब कुछ व्यर्थ चला जाता है, क्योंकि एक बार पानी के चले जाने पर अर्थात मोती के लिए अगर पानी चला गया तो उसकी चमक फीकी पड़ जाती है, मनुष्य के लिए पानी चला गया तो उसकी इज्जत चली जाती है, और चूने के लिए पानी आटे के लिए पानी चला गया तो आटा व्यर्थ हो जाता है। इस प्रकार हमेशा मनुष्य जीवन में अपनी जगह पानी को बचा कर रखना चाहिए। इसके बाद में जो 12वां पद आता है प्रथम छवि नैनन बसी पर छवि कहाँ समाय बरही सराय रहीम लखी पथिक आप फिर जाए। इस प्रस्तुत पद्यांश में कवि रहीमदास जी फिर क्या कहते हैं कि एक प्रेमी और एक प्रेमिका, या हो सकता है प्रेमी या फिर हो सकती है प्रेमिका, एक प्रेमी हो सकता है या एक प्रेमिका हो सकती है। प्रथम छवि नैनन बसी कि किसी प्रेमी या फिर प्रेमिका की प्रीतम यानी प्रेम की, प्रीतम प्रेम की जो सुंदरता है, प्रेम की जो सुंदरता है नैनन यानी नेत्रों में बस गई, नेत्रों में समा गई। पर छवि कहा समाय यानी कि नेत्रों में क्या हो गई, समा गई, कि किसी प्रेमी या प्रेमिका की या प्रेम की जो छवि है उसकी सुंदरता है अगर किसी के नेत्रों में समा जाती है तो फिर वो कैसे लगती है। बरी सराय रहीम लखी पथिक आप फिर जाए, सराय यानी धर्मशाला, सराय यानी धर्मशाला, पथिक यानी राहगीर, पथिक यानी राहगीर। देखो प्रस्तुत पद्यांश में रहीमदास जी यहां वर्णन करते हुए क्या कहते हैं कि प्रथम छवि नैनन बसी पर छवि कहां समा, कि कोई प्रेमी या प्रेमिका छवि नैनन बसी उसकी सुंदरता अगर उसके नेत्रों में समाई ही रहती है पर छवि कहां समाए, तो दूसरी छवि है दूसरे व्यक्ति की प्रेम की जो छवि है वो कभी उसमें नहीं समाहित हो सकती। यानी प्रथम छवि नैनन बसी किसी प्रेमी या प्रेमिका के प्रेम की सुंदरता अगर नेत्रों में समा गई है पर छवि कहां समाए, तो उसके नेत्रों में किसी दूसरे की सुंदरता कभी नहीं समाहित हो सकती। भरी सराय रहीम लखी, रहीमदास जी कहते हैं उसकी स्थिति ऐसी होती है भरी सराय जिस प्रकार से भरी हुई लोगों से भरी हुई धर्मशाला में व्यक्ति पथिक यानी राहगीर आप फिर जाए वहां पर आकर भरी हुई धर्मशाला को देख कर वापस लौट जाता है, ऐसी ही स्थिति मनुष्य की होती है। अर्थात इसका दूसरा अर्थ इस प्रकार से हो सकता है कि मनुष्य जिस प्रकार से मनुष्य का मन अगर परमात्मा में लगा होता है उसकी आध्यात्मिकता में लगा होता है तो उसकी आध्यात्मिकता में उस मन के अलावा दूसरा उसमें और कोई मन समाहित नहीं हो सकता। उसी प्रकार से कोई पथिक है वो धर्मशाला में आकर भरी हुई धर्मशाला को देखकर वापस लौट जाता है
उसी प्रकार हमेशा मनुष्य जीवन में जो सुंदरता है, किसी के नेत्रों के प्रति किसी में जो प्रेम है, वो प्रेम हमेशा उसमें समाहित होता है। अर्थात इसका अर्थ हमें इस प्रकार से करना है, प्रथम छवि नैनन बसी पर छवि कहाँ समाए, बरीस राय रहीम लखी पथिक आप फिर जाए। प्रस्तुत पद्यांश में कवि रहीमदास जी यह वर्णन करते हुए कहते हैं कि किसी प्रेमी या प्रेमिका की प्रेम की जो सुंदरता है हमेशा उसके नेत्रों में समाहित होती है, अतः उसकी सुंदरता पर छवि कहाँ समाए, उन नेत्रों में किसी दूसरे की सुंदरता कभी समाहित नहीं हो सकती। वो स्थिति इस प्रकार से होती है जिस प्रकार से कि लोगों से भरी हुई धर्मशाला में कोई राहगीर आता है और उस भरी हुई धर्मशाला को देखकर वापस लौट जाता है, उसी प्रकार किसी के दूसरे के नेत्रों में प्रेम की जब छवि छाई हुई है, उस प्रेम की छवि में दूसरे प्रेमी की छवि कभी समाहित नहीं हो सकती। अर्थात किसी परमात्मा के हृदय में, किसी प्रेमी के हृदय की परमात्मा में छवि छाई हुई है तो दूसरी छवि उसमें कभी समाहित नहीं हो सकती। इस प्रकार से हमने आज कितने पद पढ़े, 4 पद पढ़े। प्रेमी प्रथम पद में रहीमदास ने कहा कि नीच या दुष्ट व्यक्ति से न शत्रुता अच्छी है न प्रेम अच्छा है, उसी प्रकार कुत्ते के काटने या चाटने की स्थिति उसके सम्मान होती है। उसके बाद में मनुष्य जीवन में जो प्रेम होता है उस प्रेम का महत्व क्या होता है, प्रेम बड़ा नाजुक होता है, इसके टूटने से क्या होती है, दरार पड़ जाती है। फिर हमने पानी का महत्व समझा कि पानी का महत्व क्या है, मोती के लिए चमक होती है, मनुष्य के लिए इज्जत होती है, चूने आटे के लिए फिर पानी की आवश्यकता होती है। इसके बाद में हमने 12वें पद में हमने पढ़ा कि कोई प्रेमी या प्रेमिका या परमात्मा उसके मन में किसी की नेत्रों के अंदर उसकी प्रेम की छवि अगर छा जाती है तो दूसरों के हृदय की प्रेम की छवि उसमें कभी समाहित नहीं हो सकती, क्योंकि उसकी स्थिति कैसी होती है, भरी हुई धर्मशाला में लोगों का समूह होता है और कोई राहगीर आता है तो भरी हुई धर्मशाला को देखकर वापस लौट जाता है, उसी प्रकार कोई व्यक्ति अगर किसी के प्रेम में पड़ने के लिए व्याकुल होकर उसके पास जाता है तो उसके प्रेम का प्रभाव उस पर कभी नहीं पड़ पाता, क्योंकि उसके नेत्रों में तो किसी अन्य की छवि समाहित है। इस प्रकार से हमने आज 4 पद पढ़े। अब आगे आने वाले जो भी शेष बचे हुए पद है रहीमदास जी के, उनका अध्ययन आगे आने वाले नेक्स्ट वीडियोज में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।